सब्सक्राइब कीजिए टैग्स ए यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल के आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट कराज और आप देख रहे हैं टेक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर तो आप कोई राउटर खरीदना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं और आप जो काफी सारा कंफ्यूज हैं पैनल की सेटिंग के हवाले से कि मुझे फलानी ऑप्शन में किसी राउटर में मिलेगा किसी में नहीं मिलेगा, तो आज की वीडियो आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब अगर आप लोगों ने तक हमारे यूट्यूब चैनल टैग सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को इस वीडियो के बारे में बता रहा हूँ कि वीडियो किस बारे में और हमने इस वीडियो में क्या सीखना है। अगर आप कोई भी राउटर जो है मार्केट से खरीदना चाहते हैं, चाहे वो टीपी लिंक है, टेंटा है, मर्केजी से टी लिंक है, हवावे का या कोई भी राउटर जो भी राउटर है आप राउटर जो है खरीदना चाहते हैं, लेकिन आप भी चाहते हैं कि मुझे जैसे आप टीपी लिंक का राउटर खरीदना है तो आप ये देखना चाहते हैं कि मुझे जो ऑप्शन चाहिए, जैसे आपको चाहिए गेस्ट नेटवर्क ऑप्शन, आप ये देखने जा रहे हैं यार मुझे टीपी लिंक का राउटर में ये ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं नेट फिल्टर में कि मैं किसी का भी वाईफाई बंद करना चाहता हूँ, ये ऑप्शन में मुझे टीपी लिंक का राउटर मिलेगा या नहीं मिलेगा नहीं या मर्केजेस मिलेगा नहीं, तो ये चीज है आप किस तरह देख सकते हैं राउटर खरीदने से पहले, क्योंकि लाजमी से बात है 2000 2500 3000 की अमाउंट है, छोटी नहीं होती। हर बंदा ही ज्यादा पहले मैं हर चीज के बारे में अच्छी तरह से रिसर्च करूँ, मालूम करूँ, फिर उसके बाद ही खरीदू। तो ये वीडियो आप लोगों ने लाजमी देखनी शुरू से एंड तक। आप लोगों ने करनी है कि अपने मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर जो भी है तमाम का जो है तरीके साथ सेव है, ठीक है। आप लोगों ने जो अपने मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप जो भी उसमें आपने ब्राउजर ओपन कर लेना, कोई सा तो ब्राउजर खोला, ब्राउजर खोलने के बाद आ जाना है आपने गूगल में, google.com खोलना, उसके बाद आपने जो है यहाँ पे सर्च करना है, जैसे हम राउटर खरीदना चाहते हैं यहाँ पे टेंडर का, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सर्च करना है टेंडर, टेंडर के बाद आपने यहाँ पे लिखना है एमुलेटर, इस तरह से एमुलेटर जो है लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा चुका है टेंडा एमुलेटर, ये फर्स्ट पहले पे ही आ रहा है, ठीक है। अपने यहाँ पे टेंडा एमुलेटर में इसका काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले लिंक आ रहा है सिमुलेटर टेंडा ऑल बेटर नेटवर्क, यहाँ पे आप लोगों ने जो है इस पहला आ रहा है यहाँ पे जो है क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास tender.com की जो है ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ पे आप लोगों के पास यहाँ पे आपने आ जाना है नीचे पहले, तो नीचे आएंगे यहाँ पे टेंडा वाले जितने भी राउटर हैं, जितने भी जो उनके मतलब रेंज एक्सटेंडर हैं, राउटर हैं, जो भी है उन तमाम की मॉडल नंबर और ऑर्डर की पिक्स के साथ जो है यहाँ पे मैंने पोस्ट करा हुआ, ठीक है। आप आपने जो अपने जो आप राउटर परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, उस राउटर की आपने यहाँ पे तस्वीर और मॉडल लिखा हुआ देख लेना है, ये भी राउटर आप लेना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ टेंडा F6 का राउटर, मैं देखना चाहता हूँ कि इस टेंडा का पैनल कैसा है, क्या क्या ऑप्शन है इसके अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे टेंडा F6 का राउटर खोलना चाहता हूँ, यहाँ पे इस पे आगे क्लिक करूंगा, तो जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे आप लोग टेंडा टेंडर के राउटर का जो पैनल होगा जहाँ से तमाम सेटिंग होती है, वो पैनल जो है आप लोग बस यहाँ पे खुल के आ चुका है। यहाँ पे आपकी सेटिंग भी कर सकती है, सिर्फ आप लोगों को डेमो दिखाने के लिए होता है एमुलेटर, क्या आप लोग देख सकते हैं टेंडर के राउटर में क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ पे जिससे जैसे बिल्कुल जैसे ओरिजिनल टेंडर के राउटर का पैनल होता है बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे पैनल खुल चुका है। यहाँ पे स्टेटस सारे स्टेटस है, यहाँ पे इंटरनेट सेटिंग में आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सी सेटिंग्स यहाँ पे जो है अवेलेबल है, राउटर WISP यूनिवर्सल रिपीटर AP, यहाँ पर तमाम सेटिंग जो अवेलेबल है, PPP अवेलेबल है, यहाँ भी जो है पासवर्ड डाल के देख सकते हैं, और WISP में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे जो है आप किसी भी वाईफाई को जो है अपने राउटर में वायरलेस के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी इसके अलावा अगर आप लोग देखना चाहते हैं वायरलेस सेटिंग में क्या क्या ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो है आप अपने वाईफाई का नाम रख सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पे गैस नेटवर्क अगर आप देखना चाहते हैं तो गैस नेटवर्क भी यहाँ पे आ रहा है, इनेबल डिसेबल तमाम सेटिंग जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो भी आप लोगों ने देखी सेटिंग और इस मेन्यू में राउटर में देख सकते हैं पेमेंट कंट्रोल भी चले आ, तो आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप लोगों ने इसको यहाँ से कट कर देना है और नीचे आ जाना, आप लोगों ने यहाँ पे नीचे आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे पहले टाइप सिलेक्ट करनी है क्या चीज है, किस मतलब किस चीज के लिए जाइए आप लोगों को, होम के लिए विजिट के लिए, तो यहाँ पे आपको जो है होम सेलेक्ट करना है, होम सेलेक्ट करने में यहाँ पे दोबारा ऑल पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपने जो है किस चीज के बारे में जो है किस चीज का पैनल आपने देखना है, डेकोमेशन राउटर नेटवर्क एक्सपेंशन स्विचेस अडाप्टर एक्सेसरीज, तो यहाँ पे अपने राउटर लिखना है, राउटर में आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर देना, इसके बाद यहाँ पे दोबारा ऑल पे जाना है, ऑल पे जाने के बाद राउटर यहाँ पे आप जैसे ही अपने राउटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी इनके जो है टिपिंग वाले सिर्फ राउटर
फॉलो किया है। यहाँ पे तमाम के तमाम मॉडल नंबर आ चुके हैं, आर्सर टीपी के जितने भी राउटर हैं, पुराने मॉडल नए मॉडल जितने भी है वो तमाम जो यहाँ पे लिखे आ चुके हैं। यहाँ पे अगर हम लोग इसके अलावा कोई यहाँ पे मॉडल नहीं लिखा हो तो यहाँ पे हम लोग जो है नाम लिख के सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम मिसाल के तौर पर लिखना चाहते हैं, यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ कोई भी, जैसे यहाँ पे राउटर का मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ TNWR 940N। यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि आपने वर्जन कौन सा लिखना है, वर्जन 3 है, 3 देखना है, 4 देखना है, यहाँ पे लिखना है वर्जन 3, 4, 2, 1, 5 इस तरह से आप लोगों ने जो भी वर्जन देखना है, लेटेस्ट वर्जन जो है आपने जो है वही देखना है अच्छी बात। तो यहाँ पे आप लोगों ने वर्जन 5 पे आकर यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है इस तरह से। जैसे अभी क्लिक करेंगे यहाँ से आप लोगों से सबसे पहले यूजर नेम और पासवर्ड मांगे, यूजर नेम यहाँ पे एडमिन और पासवर्ड भी हमारा एडमिन, एडमिन एडमिन लगाने का लॉगिन करने, लॉगिन करने के बाद जो है आप लोगों के पास इस तरह से जो है टीपी लिंक के इस मॉडल का, ये मॉडल में यहाँ पे लिखा है टीपी लिंक मॉडल नंबर TNWR 940N। इस मॉडल में जितने भी ऑप्शन अवेलेबल है वो तमाम के तमाम ऑप्शन जो है यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहे हैं कि ये ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, स्पाइंड स्टैंड वायरल स्टार्टर रिपीटर और यहाँ पे जो भी सेटिंग आप लोगों से कनेक्ट हुआ नेटवर्क में आगे भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लैन की सेटिंग किस तरह से और वाईफाई की सेटिंग किस तरह से, बाद में नेट फिल्टरिंग भी आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं कोई भी इस तरह जो आप जो भी सेटिंग आप लोग देखना चाहते हैं अपने हिसाब से यहाँ पे जो है मॉडल यहाँ से आप लोग सिलेक्ट करके देख सकते हैं। ये हुई टीपी लिंक की बात, इसके अलावा आप लोगों के पास कोई बहुत सारे राउटर है तो तमाम की तमाम राउटर की सेटिंग सिर्फ वही है, इस तरह से आप लोगों ने इन्वर्टर देखना है। शर्त ये है कि आप लोगों ने पहले जो है अपना राउटर का नाम लिखना है, टीपी लिंक है, टेंडा है, मर्टीजेस है, टी लिंक है, हवावे है या वट एवर जो भी आपका राउटर, उससे पहले आप लोगों ने सबसे पहले राउटर का नाम लिखना है, उसके आगे लिखना है एमुलेट। इस तरह से है आपके राउटर खरीदने से पहले अपनी वो सेटिंग देख सकते हैं राउटर में आपके पास अवेलेबल है या नहीं, जो आप चाहते हैं उस राउटर में सेटिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो जो पसंद आई, काफी हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग आज की वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने जरूर शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।